दोस्तों अब तक तो आप लोगों ने डर्टी पिक्चर देख ली होगी कुछ लोगों ने दो और तीन बार देखी होगी बिकॉज इट्स्यूज हिट एंड जो दर्शकों ने फिल्म देखी है उनमें से कुछ लोगों को विद्या बालन जो लीड प्रोटेग्निस्ट है उनका रोमांस विद नसरुद्दीन शाह बहुत अच्छा लगा कुछ लोगों को इमरान हशमी और विद्या बालन का रोमांस बहुत ही बेहतरीन लगा एंड देर आर समीपल हु फील दैट विद्या बालन रोमांस विद तुषार दैट इज द बेस्ट लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको विद्या बालन का रोमांस विद द फोर्थ हीरो ऑफ द फिल्म यानी डायलॉग्स वो वाला रोमांस सबसे बेहतर लगा बिकॉज द डायलॉग्स आर सो फंटेस्टिक तो हमने सोचा क्यों ना आज इस फिल्म के डायलॉग राइटर एक्चुअली द स्क्रिप्ट राइटर बिकॉज इन्होंने स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स तीनों लिखे हैं इस फिल्म के रजत अरोरा को क्यों ना स्टूडियो में बुलाया जाए एंड हर इज फ्रेंड्स प्लीज वेलकम रजत अरोरा रजत जी वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड थैंक यू सो मच थैंक यू आपने जब आपने स्टूडियो में कदम रखा आपने जे. कहा यार मुझे कैमरा से बहुत डर लग गया <laughs> <laughs> है आई डोंट गिव टू मेनी इंटरव्यूज पता है सच बात क्या है हमारा कैमरा आज डरा आपसे बिकॉज़ वो थोड़ा धूज रहा था सुबह से कि आज रजत और रोरा आ रहे हैं इतने शब्दों का प्रयोग और इतना बढ़िया शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कैप्चर कर पाएंगे कि नहीं, नहीं वो सिर्फ लिखते वक्त कैमरा के सामने बोलती बंद हो जाती है बट <laughs> वो ठीक है कैमरा के सामने आप ना भी बोले तो ठीक है आपके जो लिखे हुए शब्द वो बहुत, <laughs> बहुत बहुत अच्छी तरह बोलते हैं टेल मी आप क्या खा के लिखते हैं फिल्म में एक डायलॉग है इडली ये सब इडली रसम और रम का कमाल है तो दैट इज दैट सीक्रेट इडली इडली रसम और रम, रम. <laughs> नहीं सच मुझे बताइए व्हाट इंस्पायर्स यू टू राइट सो वेल इंस्पायर वो स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले ही हर चीज का डिमांड करते हैं डायलॉग्स hmm. किस तरह के होने चाहिए किस तरह से कैरेक्टर को बोलना चाहिए hmm. वो सब स्टोरी या स्क्रीन प्ले से ही आता है मेरे हिसाब से सो hmm. uh, so, कोशिश यही रहती है कि हर लाइन ऐसी हो जिसको सुनकर लोगों को अच्छा लगे बिकॉज uh, जब हम फिल्म देखते थे बचपन में तो सलीम जावेद साहब की फिल्म देखते थे या विजय आनंद साहब की फिल्में देखते थे, तो हर लाइन में कुछ मजा आता था हर ऐसी शोले की तो खैर कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो लोगों को याद ना हो वही इंस्पिरेशन है उसी तरह से लिखने की कोशिश करते हैं आप मुझे पूछ लीजिए डर्टी पिक्चर की ऐसी कोई लाइन नहीं है जो मुझे याद नहीं हो अच्छा मतलब कोशिश तो यही रहती है कि सबको याद रहे सबको पसंद आए काम और बट मुझे ये बताइए द डर्टी पिक्चर इसमें ओपसीन डायलॉग्स है वलगर डायलॉग्स भी है सेक्स है स्लीज है तो ये लिखते वक्त आपको डर नहीं लगा कि ये ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी सबसे पहले तो सेंसर्स इस फिल्म को पास करेंगे या नहीं करेंगे कि आप बस बेधड़क लिखते गए सिर्फ लिखते गए और सबसे पहली जो पहले बार जब फिल्म देखी सेंसर ने तो हम जैसे ही सेंसर के अंदर घुसे स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद तो उनमें कुछ लेडीज बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि आपने क्या मैसेज दिया है तो वो सुन के सबसे पहले बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब लेडीज ने कहा कि आपकी फिल्म हम अच्छी ही है और पसंद भी है और आपने मैसेज भी है दिया है तो हमको एक कॉन्फिडेंस आया कि वोलगैरिटी नहीं है सेकेंडली मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने बोला कि जैसे वो पिचकारी वाली लाइन है कि उस वो थोड़ी बलगर थी लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है वो कॉन्टेक्स्ट भी मेरे ख्याल से ध्यान में रखना जरूरी है अच्छा अगर वो कॉन्टेक्स्ट सही नहीं होता तो शायद वो ज्यादा बलगर लगती लेकिन okay. एक आदमी है जो कह रहा है ही इज बेसिकली मेकिंग अ पास एट हर वो कह रहा है कि मेरी बीवी घर पे नहीं है तुम आ जाओ अब उसका वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है उस तरह से अगर देखा जाए तो वो एक हीरो के स्टाइल में एक जवाब दे रही है विच मे बी इज बिलो द बेल्ट बट जहां तक मेरा हिसाब है कि ठीक है वो जिस चीज की आ... मांग रहा है उससे उसका जवाब कुछ ऐसे ही तगड़ा होना चाहिए एग्जैक्टली एग्जैक्टली exactly, exactly. तो लिखते वक्त आप जब लिख रहे थे और जब स्क्रिप्ट का नरेशन कभी एकता कपूर को दिया होगा जो प्रोड्यूसर है कभी आपके डायरेक्टर मिलन लुथरिया को दिया होगा तो आपको ऐसे लगता था ये एक लैपटॉप है ये एक और लैपटॉप है ये एक और लैपटॉप है <laughs> नहीं ऐसे तो नहीं लगता था उनको यही लगता था यार ये सीन जम रहा है नहीं जम रहा है इसको क्या वापस लिखे वापस करे वो असल में कैरेक्टर जब हिट होता है जब हमने फिल्म गेटी में देखी कई ऐसी लाइंस भी हैं जो बहुत हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इसमें ताली बजेगी <laughs> क्योंकि वो बाय द वे लाइंस भी होती हैं कई बार कई <laughs> बार ऐसी लाइंस होती हैं जो आ, सीन को आगे लेके जाने के लिए जरूरी है <laughs> बट उसमें भी इतना फैंटास्टिक रिएक्शन मिलेगा कभी नहीं सोचा था <laughs> <laughs> तो क्या डिफिकल्ट था इस फिल्म की स्टोरी लिखना ज्यादा डिफिकल्ट था या स्क्रीन प्ले लिखना या डायलॉग्स लिखना सबसे डिफिकल्ट स्टोरी थी बिकॉज असल में मैंने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई लिखी थी इससे पहले और उसमें भी बहुत ही बहुत ही बढ़िया डायलॉग थे और वो कहानी थी दो हीरोज की तो उस उस उससे निकल कर एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म लिखने के लिए शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा कि किस तरह से कहानी होगी किस तरह से आगे बढ़ेगी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है तो उसका एक माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट होगा लेकिन जब तक

ओ uh, विदास बट क्या ये सचमुच सिल्क स्मिता की कहानी है और इट इज नॉट हर स्टोरी एब्सोल्युटली नॉट सी हमने जब शुरुआत करी थी फिल्म की जब मेरी और एकता की बात हुई कि शी सेड कि मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी है जो आ, 80s के अंडरबेली पे है फिल्म इंडस्ट्री के अंडरबेली अंडर अंडर पे तो उसमें भी कभी हमने कोई नाम आ, कभी सामने नहीं आया कि हम सिलस्मिता की कहानी बना रहे हैं या किसी और इंसान की कहानी बना रहे हैं एक था कि उस पीरियड की कहानी okay. आ, बनाएंगे जिसमें ऐसी काफी लड़कियां थी आप भी जानते हैं कि काफी ऐसे लोग थे जो काम कर रहे थे यू नो देवस सिलस्मिता देवस पॉलिस्टर पद्मनी मैनी मैनी मोर सो बिकॉज लेकिन एक ये जरूर था कि हम इस कहानी की हीरो जो है वो एक एक्ट्रेस पे आधारित होगी एक्टर okay. पे नहीं बिकॉज okay. उस टाइम का जो दौर था या जो माहौल था, था उसमें इस लड़की को फिट करना था सो okay. so, कभी भी हमने ये सोचा नहीं कि अच्छा हमने कभी रिसर्च भी नहीं करी सिल्समिता के बारे में कभी आ, मतलब आ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई हमने इसमें डाली हो तो फिर ये उसका नाम जो बदलता है प्रोड्यूसर जी सिल्क क्यों रखा कॉटन क्यों नहीं रखा बिकॉज <laughs> <laughs> वो सुनने में सिल्क अच्छा लगता है अगर रेशमा भी हमने इसलिए चुना mm -hmm. क्योंकि रेशमा इज हिंदी ऑफ सिल्क सो इट वॉज जस्ट दैट को रेशम से रेशम से रेशमा एंड सिल्क मुझे ये बताइए कि इस फिल्म में एक सीन है जब विद्या बालन जाती है नसीरुद्दीन शाह के पास कि सर मैं कुछ भी करने को तैयार हूं आप मुझे फिल्म से मत निकालिए एंड उसके बाद जब तुषार से अफेयर करती है यानी सुपरस्टार सूर्या के छोटे भाई से, से. नसीरुद्दीन शाह के ब्रदर से अफेयर करती है एंड शी गिव्स इट बैक टू हिम मतलब बहुत जलील करती है हर अपॉर्चुनिटी पर वो नसीरुद्दीन शाह को जलील करते रहती है मगर कुछ लोगों का ये सोचना है कि नसीरुद्दीन शाह ने पहला मूव नहीं किया विद्या टू टू सेल हर बॉडी, सॉर्ट ऑफ, यू यू नो कि आई डोंट माइंड सरेंडरिंग उसके बाद वो ऐसे एक मतलब तो सोचने का तरीका हो सकता दूसरा तरीका ये भी है उनके कैरेक्टर को मालूम था कि नजीर साहब का कैरेक्टर शादीशुदा है फिल्म में लेकिन इफ शी वॉज इन लव विद हिम एंड वो शादीशुदा है तो भी मिस्टेक तो विद्या बालन की ही है टू हैव फॉलन इन लव एब्सोल्यूटली बट बट आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम इन इंसपाइट ऑफ दैट तालिया पढ़ रही mm -hmm. है एंड इंस्पाइट ऑफ दैट योर लाइज इन द फैक्ट दैट विद्या बालन का कैरेक्टर इतना फंटेस्टिक है कि इंस्पाइट ऑफ दैट पीपल आर रूटिंग फॉर पीपल आर क्लैपिंग फॉर हर होल पॉइंट बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा वेन यू आर इन लव और वेन यू लव मेक्स यू डू स्टूपिट थिंग्स ओके So, okay. उसमें लेकिन आ, आप आ, जब आपके सामने कोई ऐसी चीज हो रही है नसीर आ, जो कैरेक्टर है सूर्यकांत का ही स्लीपिंग विद हिज वाइफ इन फ्रंट ऑफ वाइल्स या सो वो भी उतनी ही जलील हरकत है वो भी उतनी ही यू you know, okay. okay. नो उनको नीचा गिराने की कोशिश है mm -hmm. तो उसका बदला है वो वो इसका बदला नहीं है कि तुमने मुझसे झूठ कहा या या मुझे मालूम नहीं था कि तुम शादीशुदा हो या मैंने तो अप, अपना सब कुछ तुमको सौंप दिया था फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वैसा फिल्मी मतलब तरह का ड्रामा नहीं है ये आ, जो हमने सोचा था कि यस वो उसके साथ है सूर्यकांत के कैरेक्टर के साथ बट जब वो अपनी आंखों से देखती है जो होते हुए उसकी जो है तो ऑब्वियसली शी वॉज हार्ट ब्रोकन चाहे आप कितना भी Uh, सच से भागे वो सामने तो आ ही जाता है ना you know? तो उस तरह से ओके, <laughs> ओके। okay, okay. एक और बात, फिल्म में आपने शुरू में दिखाया है कि रेशमा जब छोटी बच्ची होती है वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रही है अपने छत पर जाने की कोशिश कर रही है और गिर जाती है डज दैट द स्टोरी और इट्स जस्ट वन सीन इट इज जस्ट लाइकोमेशन वॉट यू नो दोगे तो गिर जाओगे तो मतलब वहां पे तो कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा जो डायलॉग बोलते हैं जो डायलॉग वो वो अच्छा। बोलती इस, है 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 इसलिए आपने ये सीन कंसीव किया जी जी जब एंड में वही होता है कि वो गिरती है तो, देर नो तो फिर मैं इतना बढ़िया लिखते हैं आप यू सो मच मुझे बताइए टाइम इन मुंबई आपने लिखी अब अ टाइम इन मुंबई पार्ट टू Uh, उसका लिखना शुरू हो गया है या इट वॉज जस्ट वन फिल्म एट अ टाइम थोड़ा बहुत काम उस पर शुरू कर चुके हैं जैसे बेसिक स्टोरी लाइन हमने तैयार कर लिया अब उसका स्क्रीन प्ले डायलॉग्स वगैरह अब अब शुरू करेंगे Okay, so when will this film come? क्योंकि बीच में ऐसी खबर थी कि ये फिल्म नहीं बनेगी नहीं, ऐसी I कोई सच्चाई नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं अप्रैल से हम शुरू करना अप्रैल टू थाउजेंड एंडकेी आप कैसे uh, काम करते हैं स्क्रिप्ट एज एंड वेन द स्टोरी शूटिंग प्रोग्रेसेज वैसे लिखते हैं या बाउंड स्क्रिप्ट लिख के फिर काफी मतलब बाउंड तो मैंने जैसे किसी ने मेरे को पूछा था कि बाउंड स्क्रिप्ट कब मिलेगी तो मैंने कहा था फर्स्ट कॉपी पेटी आ जाएगी फर्स्ट कॉपी जब आ जाएगी बट बाउंड स्क्रिप्ट तो कोशिश करते हैं कि एवरीथिंग इज ऑन पेपर बट थोड़े बहुत चेंजेस तो चलते तो रहते हैं जैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे तैयारी के साथ ही शूटिंग स्टार्ट करते हैं रजत जी अक्सर ऐसा सुनते हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर अंडर कोई है तो वो है राइटर राइटर स्क्रिप्ट लिखता है स्क्रिप्ट फिल्म की बैकबोन कहलाई जाती है मगर सबसे कम पैसा राइटर को ही दिया जाता है एंड सबसे कम रिस्पेक्ट एक राइटर को मिलता है स्टार्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है बाकी डायरेक्टर को दूसरे टेक्नीशियंस hmm. को मिल जाएगा मगर राइटर इज ट्रीटेड लाइक डर्ट हाउ ट्रू इज दिस एलिगेशन

मेरे ख्याल से राइटर्स थोड़े पीछे खुद भी रहते हैं जैसे मैं तो मतलब सामने इतना आना पसंद भी नहीं करता तो आ, आ, शायद इसीलिए लोगों को लगता होगा कि ये लोग इनका इनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता या बट मेरे मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि मतलब कि किसी ने आ, कोई बदतमीजी की हो या आ, ड्यू ना दिया हो आई थिंक इट इज़ इट्स मिथ कि राइटर्स आ ट्रीटेड बैडली जब आप इस इंडस्ट्री में आए राइटर बनने ही आए जी तब आपकी स्ट्रगल पीरियड के बारे में कुछ बताइए डिड यू हैव टू फेस humiliation देन अब तो आप राइटर है ऑब्वियसली रिस्पेक्टेड राइटर है मगर आपके जो स्ट्रगलिंग डेज है उसके बारे में कुछ बताइए सी मैंने काम शुरू किया था एक सीरियल आता है आर्ट एंड सी आई डी आता है उन सीरियल्स में काम कम करना स्टार्ट किया था आई वॉज वेरी यंग आई वॉज ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड uh, uh, मैं जब बॉम्बे आया तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू एम एट श्रीधर राघन जो सी आई डी और आट के राइटर uh, थे एंड mm -hmm. uh, उनको कोई चाहिए था जो उनके साथ डायलॉग्स में काम कर सके mm -hmm. तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड आई स्टार्ट वर्किंग विदी ऑन दर्स्ट फिर धीरे धीरे मैंने स्टोरी स्क्रीन प्ले और मैं भी काम करना स्टार्ट किया उनके साथ उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो डायरेक्टर uh, uh, है मिस्टर बीपी सिंह सीआईडी सीरियल के uh -huh. उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा एज बिकॉज ही इज अ ट्रिमेंडस डायलॉग राइटर हिमसेल्फ तो वो बताते थे कि कैसा और टीवी का एक अलग ही uh, मेरे ख्याल से मीडियम uh, है जिसके अंदर आपको हर सेकंड एंटरटेन करना जरूरी है वरना यू नो अटेंशन स्पैन बहुत uh, कम है उधर लोगों का uh -huh. एकदम से रिमोट से चैनल चेंज सो उनसे बहुत सीखा कि किस तरह से डायलॉग स्क्रिप्ट को बांध के रख सकता है ओके। okay. सो so, ये एक लर्निंग फेज था आई डोंट थिंक कि मतलब ये स्ट्रगलिंग फेज नहीं था इतना ज्यादा जितना लर्निंग mm फेज -hmm. था mm -hmm. तो क्योंकि काम mm -hmm. मुझे जल्दी मिल गया था mm -hmm. ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत मतलब स्ट्रगल no? स्ट्रगल करना पड़ा काम बहुत जल्दी मिल गया था काम को अच्छा बनाने की जो स्ट्रगल थी वो तो अभी तक जारी है <laughs> और टेलीविजन की दुनिया से फिल्मी दुनिया में आने में वो कैसा जर्नी था वो भी शीदर की वजह से ही हुआ हाँ, क्योंकि वो एक फिल्म कर रहे थे रमेश सिप्पी साहब के साथ ब्लफ मास्टर तो और मिलन उनके साथ ये एक और फिल्म बना रहे थे रमेश जी के लिए जिनके लिए उनको राइटर की तलाश थी टैक्सी नंबर नौ टैक्सी नंबर नौ तो नौन ग्यारह तो उन्होंने शीदर ने मेरा नाम सजेस्ट किया मैं मिलन से मिला फिर हमने काम करना स्टार्ट किया अच्छा एंड ब्लफ मास्टर में आपने ब्लफ मास्टर में मैंने डायलॉग्स लिखे थे ओके सो दैट मींस योर फर्स्ट फिल्म फर्स्ट रिलीज वाज ब्लफ मास्टर उसके बाद टैक्सी नंबर नौ उसके बाद द रेस्ट एज या कपल ऑफ बीच में और भी फिल्म थी ऐसा नहीं है चांदी चौंग टू चाइना के लिए मैंने डायलॉग्स लिखे थे और ये हैट्रिक करके एक फिल्म थी और फिर अब ये वन सफ ऑन टाइम एंड इन मुंबई इन मुंबई पार्ट टू तो ये आपकी अभी जोड़ी बन गई है मिलन लुथिया के साथ नॉट लाइक इट्स लाइक कंफर्ट लेवल हम मतलब ही इज वेरी पेशेंट विद मी तो वो देख मेरे को टाइम देते हैं मेरे को अपना काम करने के लिए क्योंकि उनको मालूम है अब एक तरह से हमारा तरीका मतलब यू नो समझ आ गया एक दूसरे को कि किस तरह से हम काम करते हैं तो आ, उन्हें मालूम है कि अगर सीन में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है तो ये बाद में ठीक कर लेगा सो विच समाइम्स हैपन विद न्यू पीपल सो एक बहुत अंडरस्टैंडिंग है जो चार फिल्म हम एक साथ कर चुके हैं तो पांचवी करने वाले हैं तो इट्स अ गुड पार्टनरशिपोर्स मुझे ये बताइए ये फिल्म जो है द डर्टी पिक्चर बहुत बोल्ड डायलॉग्स हैं एंड अगेन आई रिपीट वल्गर ऑब्सीन डायलॉग्स भी हैं इस फिल्म में Uh, कभी आपने सोचा कि ये अगर बैकफायर हो गई लेडीज शायद इसको एब्सोल्युटली रन डाउन कर सकती है लड़कियाँ इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती हैं, ये दिमाग में बात तो आई होगी बिल्कुल आई थी बिल्कुल आई थी ये और इसीलिए हम बहुत डरे हुए थे कि किस तरह से इस फिल्म को रिसेप्शन मिलेगी कि किस तरह से लोग इसको देखेंगे अगर लगता उनको कि ये वर्ल्ड कप फिल्म है तो शायद आ, 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 फिल्म नहीं चलती जितनी चल रही है और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम शुरुआत में थोड़ा बहुत नोटी हमने नोटी लिखने की कोशिश करी थी वोलगर कहीं पे भी हमको नहीं लग रहा था कि वी विल क्रॉस दैट लाइन टू वलगैरिटी बट नोटीपन एक लाने की कोशिश करी थी स्क्रिप्ट के अंदर लेकिन मुझे ये लगता है कि uh, वो जो स्टार्टिंग का नोटीपन जरूरी था टू अंडरस्टैंड प्रिपेर ऑडियंस एंड ऑल्सो फॉर द सेकेंड हाफॉल्स टू कम आउट मोर <laughs> अगर फिल्म एक ही लेवल पे चलती रहती तो शायद वो जो हम सेकंड हाफ में कोशिश कर रहे थे वो शायद बाहर नहीं आता ओके सो वी वर वेरी मच वी वांटेड टू हैव दैट लिटिल बिट ऑफ स्पाइस इन इट आपने सेकंड हाफ की बात कही कि उसका पैथोस नहीं निकला था बट आर यू अवेयर कि

डिप जरूर आएगा क्योंकि हम एक एंटरटेनिंग कहानी कह रहे थे और अब फिर एकदम से मूड चेंज कर रहे हैं वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर अ ट्रेजिडी अब इसमें हम सक्सेसफुल हुए नहीं हुए वो आई डोंट नो बट डिप हमने सोचा था कि जरूर आएगा और वो uh,

डिप है hmm. audio, uh, इसके अंदर सेकेंड हाफ के अंदर आई वोट लाइक टू दैट बट वी डेंट नो हाउ टू करेक्ट इट इन द सेंस कि हमको ये नहीं था कि अच्छा अभी हम इसको चलो uh, वापस hmm. बनाते हैं या वापस इसको hmm. ऐसा कुछ नहीं था बिकॉज वी वर कॉन्फिडेंट कि हम का जैसा सेकेंड हाफ डिप होने के बाद फिल्म वापस उठती है कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि ट्रैजिक एंडिंग अगर ना होती तो बेहतर होता कभी आप लोगों ने ये ट्रैजिक एंडिंग नहीं रखने का सोचा था नहीं सिर्फ जैसे हमने जो मैंने स्टोरी लिखी थी हम आज से डेढ़ साल पहले हम हमेशा उसी पे ही बंदे रहे राइट फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमने कभी भी उसको ना हट आ, हम इस चीज से घबराए और ना ही हमने उसको कभी चेंज करने का सोचा भी uh -huh. कि हम हम जानते थे कि हम क्या बनाना चाहते हैं okay. ओके अब वो अच्छा लगेगा या नहीं वो दूसरी बात थी वो उसमें तो हर आदमी को घबराहट होती है लेकिन आ, ये इससे कभी डरे नहीं कि हम एक ट्रेजिडी बना रहे हैं और ए, कि आ, यार ऑडियंस क्या कहेगी कि हम आजकल ऐसी फिल्में आती नहीं है जहां पे इमोशनल बहुत स्ट्रांग हो आई डोंट रिमेंबर द लास्ट फिल्म वेयर लीड प्रोडगनिस्ट कमिटेड सुइसाइड डिफरेंसलीपिंग so, we uh, बैकफायर uh, नहीं करे लेकिन जो बनाना चाहते थे वही बनाया मतलब आप लोग डगमगाए नहीं डग नहीं एंड uh, एक और uh, सवाल का जवाब दीजिए एज अ राइटर एक तो होता है कि आप फ्लो में लिख रहे हैं एंड लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं और फाइनली यू आर मेकिंग अ फिल्म इट्स नॉट अ बुक दैट यू आर राइटिंग इट्स अ फिल्म वे यू नीड इंस्टेंट रिएक्शन फ्रॉम द पीपल तो कितनी बार आपको ये सोचना पड़ता है कि नहीं ये लाइन नहीं या ये सीन नहीं इसमें पब्लिक को मजा नहीं आएगा पब्लिक की तालियां पड़नी चाहिए क्लैप ट्रैप्स जिसे हम कहते हैं ना जी. तो क्लैप ट्रैप्स की वजह से डायलॉग्स को ट्विस्ट किए जाते हैं चेंज किए जाते हैं और ये सोच के लिखा जाता है कि यहां क्लैप आना जरूरी है यहां रोना आना जरूरी है यहां लाफ्टर मिलना जरूरी है तो यू हैव टू चेंज योर लाइंस अकॉर्डिंग टू दैट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वो तो मतलब जैसे हम अगर वो मज़ेदार सीन है जो दो आ, मतलब चाहे सूर्यकांत और आ, सिल्क के बीच में हो जिसके अंदर यू नो द ह्यूमर प्लेज अ इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर एंड हो जिसके अंदर वो जिंदगी मायूस होती है तभी महसूस होती है लाइन हो जिस तरह का मूड चल रहा है वो तो ध्यान में रखना ही पड़ता है उस टाइम उस टाइम कोई भी ऐसी लाइन आ, नहीं आ जाए जो मूड को ब्रेक करे उसका ध्यान रखना पड़ता है कोई विटी लाइन कोई नो जो सीन को छोटा या इमोशन को कम कर दे वैसी लाइंस से यानी राइटिंग स्क्रिप्ट राइटिंग इज इज एन अ साइंस आल्सो आई 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 थिंक थिंक सो इट्स साइंस आल्सो थोड़ा बहुत तो मतलब ध्यान में रखना ही पड़ता है कि <laughs> किस तरह से सी एवरीथिंग इज टू ब्रिंग आउट द इमोशन वेदर इट इज लाफ्टर वेदर इट इज यू नो क्राइम और वॉट एवज और ब्रवाडो सो हर लाइन उसी के हिसाब से लिखी जाती है कि कोशिश तो यही की जाती है कि लाफ्टर आए इस लाइन पे इस लाइन पे रोना आए आंसू आए और सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप दी ऑडियंस इन माइंड एब्सोल्युटली अच्छा ऑडियंस को तो आपके डायलॉग्स बहुत ही पसंद आए इसका प्रूफ तो आपने गेटी में देख ही लिया होगा okay. जब तालियों की गड़गड़ाहट सुनी होगी <laughs> आपका पर्सनल फेवरेट डायलॉग कौन सा है और वो डायलॉग के तरीके से ही बोल के सुनाएंगे <laughs> जब खुदा ने जिंदगी एक दी है तो फिर दो बार में रजत जी बहुत से लोग हैं जो आंखों में सपने लेकर आते हैं इस इंडस्ट्री में कि मैं राइटर बनूंगा बिकॉज आई थिंक एक्टिंग के लिए अच्छी सूरत और एक्टिंग टैलेंट चाहिए राइटिंग तो आपके माइंड में है हर कोई इंसान यही सोचता है कि इससे बेटर स्टोरी तो मैं भी लिख सकता था ऐसे स्ट्रगलिंग राइटर्स के लिए

फिल्म में जैसे हमने पहले भी कहा द डर्टी पिक्चर में दर इज विद्या बालन देर आर थ्री हीरोज इज अ फोर्थ हीरो और उस हीरो के क्रिएटर को हमने आपसे आज मिलवाया दैट इज रजत अरोरा अगर आपने द डर्टी पिक्चर अभी तक नहीं देखी है वेल ऑल वी कैन से इज गो एंड हैव अ लुक एंजॉय द फिल्म बिकॉज ये बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है